नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स से। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो एक बड़ी सीरियस टॉपिक है। अभी हम पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं कोविड से, तो उसी के ऊपर टॉपिक है, बड़ी सीरियस टॉपिक है। जो टॉपिक का नाम है वो है पोस्ट कोविड सिम्टम, यानी कि कोविड के बाद के लक्षण। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं, कोविड से ठीक होने के बाद भी हमारे जो ज़्यादातर भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, वो नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ समस्या उनके साथ ठीक होने के बाद, नेगेटिव होने के बाद भी उनके साथ आ रही है, उनको नॉर्मल नहीं होने दे रही है। तो इस समस्या से हम कैसे इसको एक चैलेंज की तरह लें और इससे निकलें। जो पोस्ट कोविड है, मतलब कि कोविड के बाद जो नॉर्मल होने के बाद जो मेन समस्या आ रही है, वो दो तरीके की आ रही है। पहली समस्या है कि शारीरिक समस्या और दूसरी है मानसिक समस्या। पहले हम शारीरिक समस्या देखेंगे, जो कि पोस्ट कोविड लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है। जो हमारे भाई बंधु हैं जो कि कोविड से तो नेगेटिव हो गए हैं, बट वो अपने आप को गुड फील नहीं कर पा रहे, नॉर्मल फील नहीं कर पा रहे। उनके सर में दर्द हो रहा है, उनके गले में दर्द है रिकवर होने के बाद, उनके छाती में दर्द हो रहा है, उनके पेट में भी दर्द हो रहा है। मतलब कि सबके कोई ना कोई डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे हैं। मांसपेशियों में दर्द हो रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, बहुत लोगों को खांसी आ रही है, सांस अभी भी फूल रहा है, धड़कन बढ़ रखी है, पेट खराब है, पैरों में जो है जलन हो रही है, तलवों में दस्त हो रहे हैं और भूख नहीं लग रही। तो ये सारे शारीरिक समस्याएं अभी भी कोविड के ठीक होने के बाद भी, नेगेटिव आने के बाद भी आ रही। और जो दूसरी तरह का जो चैलेंज हमारे जो भाई बंधुओं में आ रहा है वो है मानसिक समस्या। उनके मन में डर का माहौल आ रखा है, डिप्रेशन में वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लोग जो अभी बड़े सीरियस थे और वो रिवाइव होकर वापस आए हैं घर पर, स्ट्रेस में ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, मन उनका जो है फोकस्ड ही नहीं है बिल्कुल, कहीं पे भी वो केंद्र नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, अपने दिमाग को, चिड़चिड़े हो गए हैं वो। और इन समस्याओं को भरने के लिए हमारे को पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ी जटिल समस्या है। कोविड हो गया, चला गया, बहुत सारा हमारे को मानवता का बहुत नुकसान कर दिया, इतने लोग हमको छोड़ के चले गए, और इसका जो डर है, भय है, वो हमारे मन में अभी भी बैठा हुआ है। तो इससे उभरने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमारे को डॉक्टर ने दवाई दी हुई है उसका बड़ी ईमानदारी से इस्तेमाल करना है। कोविड ठीक होने के बाद अगर पोस्ट कोविड डॉक्टर ने हमारे को दवाई दी, उसको ईमानदारी से खाना है, कोई उसमें लापरवाही नहीं बरतनी, अपनी तरफ से कोई दवाई नहीं लेनी, किसी के कहने पर दवाई नहीं लेनी, ना किसी के कहने पर दवाई बंद करनी है। सिर्फ और सिर्फ जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है उसकी सलाह पर ही दवाइयों का इस्तेमाल करना है या बंद करना है। और दूसरी बात कि घर पे जब भी आप रह रहे हैं, हमारे जो वाइटल पैरामीटर है उनका जो ख्याल है बिल्कुल ईमानदारी से करना है। वाइटल पैरामीटर क्या हो गए? पहला हो गया बुखार। बुखार हमारे को ध्यान रखना है कि अगर हमारा बुखार 100 से ऊपर पहुँच गया तो हमारे को इमिडिएटली अपने कंसर्न डॉक्टर को बताना है। दूसरी चीज हो गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेवल अगर हमारा 94 से नीचे जाए तो हमारे को कंसर्न डॉक्टर को, जिससे भी हमारी ट्रीटमेंट चल रही है, उसको इमिडिएटली बताना है। आसपास से लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। तीसरी चीज़ है हमारी हृदय गति, हमारा हार्ट बीट। अगर हमारा हार्ट बीट 130 से ऊपर जा रहा है तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है, हमारे को इमिडिएटली अपने कंसर्न डॉक्टर से बात करना। तो हमने दो चीज़ें देख ली, पहला हमारे को डॉक्टर की बताई दवाई लेनी है, फिर हमारे को वाइटल पैरामीटर पे फोकस करना है, और तीसरी चीज़ हमारे को अपने खान पान पे बहुत ध्यान देना है। जैसा कि आपने खुद देखा होगा हमारे फैमिली में, भाई बंधुओं में, जिनको भी कोविड हुआ उनको बीमारी की वजह से, कोविड की वजह से बहुत वेट लॉस हो गया। तो अब जो वेट लॉस हमारे को हुआ है वो हमारे को वापस रीगेन करना है। उसके लिए हमारे को क्या करना है? पौष्टिक आहार लेना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, ताज़ा फलों का जूस पीना है,
दो से ढाई लीटर तरल पदार्थ हमारे को रोज लेना है। पनीर खाना है, सोयाबीन खाना है, दाल खानी है, चीनी की मात्रा थोड़ी सी कम करनी है। अगर हमारे को अल्कोहल लेने की आदत है तो उसको हमारे को डिस्करेज करना है। अगर हमारे को स्मोकिंग करने की आदत है, हमारे को उसको बिल्कुल डिस्करेज करना है, क्योंकि ऑलरेडी कोविड में हमारा लंग पे इफेक्ट है, ऊपर से हम स्मोकिंग करेंगे तो वो एग्रीवेट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। हमारे को पूरी तरह भली भांति अपने आप का ख्याल रखना है, कोई और ख्याल रखे इससे अच्छा हम खुद ही ख्याल रखें, और पोस्ट कोविड तो बहुत जरूरी है। अब जो सबसे बड़ा कारण है, जैसे हमने देखा था मानसिक समस्या, मानसिक समस्याओं का कारण क्या है? सबसे ज्यादा कारण तो हमारा भविष्य का है कि भाई हमारे जो पास्ट में अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो हमारे जो हॉस्पिटल का बैड एक्सपीरियंस कि इतने लोग गए, हम कितने किस कंडीशन में थे, हमारे सामने जो पेशेंट थे वो किस कंडीशन में थे, जो अस्पताल का अनुभव था वो हमारे लिए तनाव का बहुत बड़ा कारण। दूसरी चीज़ जो हमारे खर्चे हुए या होने वाले हैं या वहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम्स हुई वो भी हमारे लिए तनाव का कारण है। अब भविष्य की चिंता कि भाई लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद हम रिवाइव करेंगे, हम कैसे चलेंगे, ये भी हमारे लिए एक चिंता का कारण है, जो कि हमारे को रिवाइव होने में थोड़ा सा समय लगा रही है, दिक्कत करता है। तो सच्चाई में हमारे को क्या करना है, हमारे को अपनी वास्तविकता जो सच्चाई है उसको बिल्कुल स्वीकार करना है, और हमारे को अपने अंदर बदलाव लाना है। बदलाव कैसे लाना है? सबसे पहले तो हमारे को कोविड के बचाव के लिए उसके अनुकूल ही व्यवहार करना है। अब कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार कैसे करेंगे? हमारे को बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि हम इन्फेक्टेड हो गए हैं, हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारे को लंग में इन्फेक्शन हो गई है, तो कोविड हुआ है तो डेफिनेटली, तो पोस्ट कोविड हमारे को ध्यान रखना है। पहला हमारे को फेस मास्क ठीक से पहनना है। दूसरी चीज हमारे को फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है। भाई एक चीज में तो जो हमारा स्लोगन है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे हिसाब से तो हमारे को फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए नहीं करनी क्योंकि सोशली तो हमारे को कनेक्ट होना है, चाहे वो फोन पे हो या बात करते हो, जब तक हम अपने घर परिवार से सोशल डिस्टेंस बनाएंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? अपना दुख दर्द, अपनी जो है अचीवमेंट, अपनी खुशियाँ, हम रिवाइव हो गए हैं तो ये सब कुछ अपने परिवार को नहीं बताएंगे तो कैसे खुश रहेंगे? तो हमारे को क्या करना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंस नहीं। भीड़ में जाने से हमारे को बचना है, बंद कमरे में ज्यादा लोगों को इकट्ठा ना होने दो, क्योंकि जैसे अभी आप रिवाइव कर रहे हो, रिवाइव करते हुए आपकी वो फैमिली है, सब लोग देखने आते हैं, तो कोशिश करें कि हम ज्यादा भीड़ भाड़ अपने बंद कमरे में ना होने दो। नियमित हाथ धोएं हम अपना, रात को अपनी पूरी नींद लें, ऐसा ना हो कि हम अपने जो है चैनल्स में, यूट्यूब में और इन चीज़ों में बिजी रहें, मोबाइल में, इंटरनेट में बिजी रहें, जो हमारा नियमित नींद है उसको हम ना लें। हमारे को सबसे पहले क्या करना है, हमारे को पूरी अपनी नींद, जितनी हमारी नींद होनी चाहिए साइंटिफिकली उतनी नींद हमारे को पूरी लेनी है, समय से सोना है, समय से उठना है, हल्के व्यायाम करने, बिल्कुल हैवी व्यायाम नहीं करना, ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करनी है, क्योंकि अगर हम 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे तो हमारे को रिवाइव करने में, हमारे पास जो इतने दुख दर्द हुए हैं उनसे रिवाइव करने में हमारे को थोड़ा सा आराम मिलेगा। अपने परिवार से, अपने मित्र से, अपने फैमिली में सबसे अपना बात करनी है, जब हम बात करेंगे तो हमारे अंदर ताकत आएगी कि हम जल्दी से कोविड पोस्ट कोविड रिकवर हो जाए, क्योंकि कोविड से तो रिकवर हो गए भाई, हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, कोविड से तो रिकवर हो गए, हम घर पे भी आ गए, पर जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनसे रिकवर होने में हमारे को अभी समय लगेगा। हमारे को कोरोना से संबंधित जितनी भी नकारात्मक खबरें हैं, न्यूज हैं, जिसमें कि कोरोना के बारे में नकारात्मक जानकारी है, उससे हमें दूर रहना है, क्योंकि वो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी भरते हैं। हमारे को संगीत सुनना है जो हमारे को पसंद हो, जिससे कि हम रिलैक्स करें, रिलैक्स करके अपने जो अपने बॉडी को रिवाइव करें।
अपने अंदर सकारात्मक सोच रखनी है, सकारात्मक सोच बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे लॉकडाउन हो गया, ऑड इवन हो गया, लोगों के नुकसान हो रहे हैं, रोज़गार कम है, ये परिस्थितियाँ अपने नियंत्रण में तो है नहीं भाई, हमारे नियंत्रण में ये परिस्थितियाँ नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसीज हैं लोगों को इस बुरे वक्त से बचाने के लिए, लॉकडाउन है इस बुरे वक्त से बचाने के लिए, ऑड इवन चल रहा है, ये परिस्थितियाँ हैं जो पूरे देश में हैं, पर ये परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उस पर हमारे को जो हमारे जो रिएक्शन है वो उस परिस्थितियों में वो हमारे कंट्रोल में, तो हमारे को उस पर जो प्रतिक्रिया देनी है वो बड़ी सोच समझ के देनी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत है, सकारात्मक सोच रखनी है। हम अकेले नहीं है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ये पेंडेमिक की तरह आया है और ये नुकसान सबका करके गया है, हर घर में कोई ना कोई पीड़ित हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में हुआ है, घर का मतलब हो गया घर में, रिश्तेदारी में, दोस्त में, कोई ना कोई तो पीड़ित हुआ है, हमें हालात के साथ समझौता करना है, हम अकेले नहीं है इस दुनिया में, पूरी दुनिया ही इससे पीड़ित हुई है, और जो मेन इसमें ये है कि पोस्ट कोविड सबसे जो एक अहम जो चिंता की बात है साइंटिफिकली या मेडिकली वो है लंग फाइब्रोसिस की। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये लंग फाइब्रोसिस है क्या, वो मैं आपको अभी छोटे से मैं समझा दूंगा कि लंग फाइब्रोसिस क्या होती है। लंग फाइब्रोसिस का मतलब हो गया कि जब लंग में स्वेलिंग हो जाती है या निमोनिया हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाती है, वो सूज जाते हैं लंग, और जब वो ठीक होने लगते हैं, रिवाइव करने लगते हैं, जब वो हीलिंग करते हैं, जब वो ठीक होते हैं तो वो थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लंग फाइब्रोसिस, कि पहले हमारा लंग इन्फेक्टेड हुआ, उसमें सूजन आ गई, चाहे वो किसी भी निमोनिया की वजह से या कोविड की वजह से उसमें सूजन आ गई, और सूजने के बाद वो इलाज के साथ साथ वो ठीक हो रहा है तो वो वापस सिकुड़ रहा है, तो जब वो सिकुड़ता है तो उसको लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं, और हम जानते हैं कि जो लंग फाइब्रोसिस है वो जितने भी कोविड मरीज हैं, जिनको भी कोविड हुआ है उनमें लंग फाइब्रोसिस हुआ ही होगा, किसी को ज़्यादा, जिसको कि स्कोर 17 हो गया होगा सीटी स्कैन्स में, 17 से 17-25 में से या 20-25 में से, या किसी को कम कि भाई 4 हो गया होगा, 5 हो गया, पर हुआ सबको लंग फाइब्रोसिस, जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं सबको हुआ है, उनकी सिवियरिटी वेरी करती है कि भाई किसी को लंग फाइब्रोसिस कि जो सिवियरिटी है वो सिवियरिटी स्कोर में सीटी स्कैन की सिवियरिटी स्कोर्स में 3 की वैल्यू आई हो, और किसी को जो है 17 की वैल्यू आई हो या 20 की वैल्यू, हुआ सबको है तो लंग फाइब्रोसिस तो हो गया। अब लंग फाइब्रोसिस हो गया है पर ये नाम इतना खतरनाक है, इसको हम देखे कैसे हैं, अब इससे हमें रिवाइव तो करना ही है, अब उसको कैसे करेंगे, तो लंग फाइब्रोसिस से रिवाइव करने के लिए मेडिसिन हैं वो तो आपको डॉक्टर की सलाह से लेनी लेनी है, तो उसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, जो डॉक्टर ने आपको सलाह दी है लंग फाइब्रोसिस के लिए वो मेडिसिन लेनी ही लेनी है, बट जो एक साइंटिफिकली प्रूवन प्रोसेस है उसमें क्या करना है लंग फाइब्रोसिस में, कि हमारे को गहरी सांस अंदर खींचनी है, ऐसे अपनी पूरी छाती हमारे को फुलानी है और कोशिश करनी है कि हम 20 से 25 सेकंड तक उसको सांस को फुला के रखें, जिससे कि हमारा जो लंग है वो अपनी कैपेसिटी वापस पाने की कोशिश करें। जब हम अंदर सांस भर के अपने लंग्स में अपने फेफड़ों में सांस भर के और 30 सेकंड तक रोक सकते हैं या रोकेंगे तो हम ग्रीन जोन में आ जाएंगे, इसका मतलब कि हम रिवाइवल की तरफ हमारा कदम बढ़ने शुरू हो गए हैं और जल्द ही हम उससे जीत लेंगे, लंग फाइब्रोसिस को हम एफिशिएंटली कंट्रोल कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ा सीरियस इशू है पोस्ट कोविड सिंड्रोम या कोविड के बाद के लक्षण, तो इस पर हमारे को बड़ा ध्यान देना है, बड़ी जटिल समस्या है ये, इंडिविजुअल नहीं पूरे भारत के ऊपर जटिल समस्या है, और भारत में तो पूरी दुनिया बोलेंगे, सब जगह बड़ी मुश्किलें हैं, हेल्थ कंडीशंस हर पेशेंट्स की खराब है, पर इससे रिवाइव होना है, और ये सब तभी होगा जब हम बचाव के साथ साथ अपनी सकारात्मक सोच
आगे रखेंगे और आगे बढ़ने के लिए जो नकारात्मक सोच है उससे दूर रहेंगे। आपको इस बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप बिल्कुल इनबॉक्स में लिखें, हम उसका कोशिश करेंगे कि बिल्कुल इमीडिएटली जवाब दें। हमारी वेबसाइट है, अगर वहाँ पे कोई इंक्वायरी होती है तो आप क्वारी सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sheetalchhayadiagnostics.com और दूसरी वेबसाइट है www.bloodtestdelhi.com। हमारा मोबाइल नंबर है 9868704466। अगर आपको ये वीडियो, ये कम्युनिकेशन या सोशल मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना चाहें तो बिल्कुल करें, मेरे को अच्छा लगेगा। थैंक यू।